ये बॉल के पेड़ यहाँ से ऊपर जाता है वो। हाँ, ये देखो, ये देखो, वो देखो, वो यहाँ पे भी है वो नीचे। जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था ये है, ये वो, ये है वो व्यू। इस चीज का इंतजार था महादेव। ओके सो फाइनली गाइस सुबह हो चुकी है एंड जैद और मैं उठ चुका हूँ अभी। आई थिंक 5:30 शायद 5:30 या 6 बज रहे अभी हम बाहर हैं जैद और मैं। तो आज का जो व्लॉग रहेगा वो सेकंड पार्ट रहेगा, पहले हम जाते हैं मुंह धोने। ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आई एम बैक अगेन विद एन इंटरेस्टिंग व्लॉग। ओके आज हमारा सेकंड डे है तो आज सेकंड पार्ट रहेगा ये व्लॉग का। आज हम ट्रैक करेंगे वहाँ से उस साइड से बीच में एक वैली पड़ती है वहाँ जाएंगे ट्रैक करने। जो हमारे साथ बंदे आए थे वो थोड़े ढीले है इस वजह से हमें यहाँ पे रुकना पड़ा इस जगह पे, वरना हम रात को 9:30 वहीं से टेंट लगाते। इस वजह से हमने वहीं पे टेंट लगाया। अब सोच रहे कि वहाँ से जाएंगे ट्रैक करने, पहले मुँह धोते एंड बाद में आप लोगों से मिलते भाई। हम जहाँ पे आज रहे ना वो खास जगह रही थी बिकॉज जो हमारे साथ बंदे आए थे वो डरते हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे रुकना पड़ा, वरना मेरा प्लान वो जो पीक है वहाँ पे कैंप करना था उस साइड से। कैसा सीन रहा रात का? ये डर गए क्योंकि रात में बहुत हलचल हो गई बाहर से, ये डर गए। 2 बजे हाँ हलचल बहुत हुई बाहर। मैं कहाँ सोया आज? मैं सोया ही नहीं, मैंने सोचा कि यही सुनील को सोने दो मैं बैठता हूँ। बाकी हम दो चलते हैं मुदो ने, तब तक बाय। ये पकड़ सो गाइस पहले हम यहाँ से जाएंगे ऊपर, ऊपर सनराइज देखेंगे पूरा एंड देन उस साइड से जाना है हमें, उस साइड से पहले इस साइड से जाते हैं ठीक है, पहले इस साइड से देखते हैं सनराइज ऊपर से, अच्छा सा व्यू देखते हैं आप लोगों को भी दिखाएंगे बाकी भाई। सो गाइस वो रहे वो लोग, जिब्रान और आशु जा रहा है नीचे वॉशरूम एंड मुदो ने शैब है एंड जैद एंड हम जा रहे हैं ऊपर जैद और मैं कुछ देर वहाँ टॉप पे, वहाँ से व्यू देखेंगे एंड बाद में हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे उस साइड से। अगर वो लोग आए तो आए, अगर वो लोग नहीं आए तो हम दोनों जाएंगे, जैद और मैं जाएंगे क्योंकि ट्रैक पूरा करना है। किस लिए आए फिर यहाँ पे? कल भी उन्होंने यही पंगा किया कि यहाँ पे कैंप लगाएंगे, फजूल जगह पे कैंप लगाया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया, बट जो फील चाहिए था वो नहीं आया। मैं कल सोच रहा था वहाँ पे करेंगे हम कैंप बट इन लोगों ने नहीं माना। इधर से आ, इधर से अब हम ऊपर जा रहे हैं जैदुर में एंड मिलते हैं आप लोगों से ऊपर ठीक है एंड दिखाते हैं पूरा डल दिख रहा है यहाँ से ठीक है, एंड डल दिख रहा है और शालीमोर निशात फोरशोर जो भी है यहाँ से श्रीनगर सब कुछ दिखता है सिटी व्यू ठीक है। पैर चलते ऊपर गाइस फाइनली हम आ चुके हैं टॉप पे, केवल हमने 5 मिनट यहाँ तक दिए, टोटल 5 मिनट, 5 मिनट में हम यहाँ तक चढ़े जैदुर में। अब यहाँ पे बैठेंगे आप लोगों को व्यू दिखाएंगे वहाँ का, पूरा डल लेक पूरा श्रीनगर आई थिंक दिखता है आई थिंक, बट अभी थोड़ा सा कोहरा है वहाँ से पूरा नहीं दिखता है, दरगाह भी दिख रहा है दो एक वहाँ से। सो ऊपर जाते हैं वहाँ पे बैठते उस साइड से एंड आप लोगों को दिखा। सो गाइस ये पूरा डल इसमें नहीं दिख रहा होगा बट हमें यहाँ से दिख रहा है, वहाँ से उस साइड से हज़रतबल वो निशात के पहाड़ है ज़बरवान हिल्स, ये फ़कीर गुजरी का पहाड़, ये यहाँ से ट्रैकिंग साइट, ये बैठा है बंदा। ओके सो गाइज वहाँ पे वो चाय बना रहे हैं। ओके सो गाइज यहाँ पे आशु साहब बहुत मेहनत कर रहा है, कल से बहुत ज़्यादा मेहनत की इसने, ये छोटे छोटे बच्चे, ये हमारा दोस्त है
बन रही है चाय। इधर आ जाए, इधर से पूरा आएगा, इधर से आएगा, इधर से पूरा आएगा। अब आ रहा है, क्यूट बच्चे। अब निकले हम, लगभग हमने कंफर्म किया यहाँ पे लगभग 3-4 घंटे लगेंगे तो ये छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ आ गए। छोटू आराम से, तो भाई चल रहे हैं, हमारे से छोटे छोटे बच्चे भी आए, फिर उन्होंने बोला कि हमें, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, जा रहे ऊपर। ये नन्ना सा बच्चा, ये देख सकते हो, तो जा रहे ऊपर। कितना टाइम लगेगा, 1-2 घंटे? शायद 2-3 घंटे लगेंगे वहां तक, ठीक है, चल पहुंचते। अब तब तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर दो, बाय। सुबह चल रहे ऊपर हम, बहुत ही सेक्सी प्लेस है। हमने ये ट्रैक फाउंड किया, मतलब यहाँ से शायद कोई नहीं आता यहाँ, यहाँ से ट्रैक नहीं करता कोई, हाँ वहाँ से ट्रैक करते, यहाँ से कोई ट्रैक नहीं करता, ये हमारा ट्रैक है। तो चलते हैं ऊपर, करते हैं वहाँ से, आप लोग व्यू का एंजॉय करो, हम लोग भी करते हैं, बाय। चल रहे हैं लोग आगे आगे, एंड वो लोग पीछे पीछे। हाँ रात को, अभी नहीं आता है, यहाँ से तो बर्फ भी है, वही ना, वही शीन भी यहाँ से है कोई वहाँ पे, तुम थक गए नहीं? थक गए अभी, कितना चल सकते हो ऊपर तक? बहुत, चलो फिर पहले हट के पास जाएंगे, वहाँ पे थोड़े से रील्स बनाएंगे, क्योंकि मेरे को शाम को रील्स उठाने हैं। एंड अब यहीं से ट्रैक है, यहीं से जाना है उस वैली में, ये छोटे बच्चे हमें ले जा रहे हैं, खुद के भरोसे नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, इनको पता सब कुछ है, तुम लोगों को पता है ना कहाँ से जाना है, तो ले जाओ। ये किधर चढ़ गए हो? उस जगह का नाम क्या है छोटू, उस जगह का नाम क्या है? उसने वो सब मुझे सुनाई नहीं दिया। संतारी वैली है वो? चलो ओके, बड़ी संतारी वैली, नाम कभी सुना है? देख यहाँ से चश्मा है, यहाँ से पानी है, यहाँ से जहाँ से 1 फुट के करीब बर्फ आ रही है, इधर तक बर्फ है पाँव तक, अभी पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, रास्ता ही नहीं पता, इन लोगों को पता है सब कुछ, पता है इन लोगों को, ये मैं ले जा रहे हैं। ओ पागल, इसने पांव उतरी जा रहा है, चलना चल, अब चल, अब आ गए, अब वापस नहीं जाना है, चल जैसे मरे हुए लोग वापस नहीं आते, चलना बेटे अब। सो गाइस ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हमें ट्रैक करते करते, अभी शायद 1 और घंटा है अपनी डेस्टिनी की ओर, अभी 1 घंटा लगेगा वहां तक जहां हमें जाना है। यू कैन डू इट, मेरी तरफ दिखा, वो बच्चे देखो किधर है, ऊपर है, स्टैमिना देखो ब्रो, स्टैमिना देखो, एंड जिब्रा जिब्रा किधर है देखो, कम ऑन जिब्रा। बर्फ दिख रहा है कितनी है यहाँ, कब होते बर्फ के बाद? जून जुलाई में। अभी कितना यहाँ से हमें? थोड़ा सा है, चलो चलो चल छोटू, चल आ जा, तुम हमारे लीडर हो, ठीक है, तुम हमें सिखाओ, आ जा
चल 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 ये ट्रैकिंग नहीं करते थे, इन्होंने सुबह बोला कि हम घर जाएंगे, फिर जैदुल मैंने बोला कि नहीं चलना है, तुम लोग चलो थोड़ा है बस, आधे घंटे का सफर है, दो घंटे से हम चल रहे, तीन घंटे से हम चल रहे, ये चल रहे थक गए सारे, और भी चलेंगे और अभी भी शायद एक घंटा चल रहा है, क्योंकि आधा घंटा ये पूरा पहाड़ क्रॉस करना है, वहाँ पे वैली पड़ती है, वैली के साइड से हमें वापस जाना है, यहाँ पे हमें टेंट रखा है, तो चल रहे हैं, आप लोग व्लॉग देखो, एंजॉय करो। बालू कैसे रहे देखो, ये बॉल के पे यहाँ से ऊपर जाता है वो, हाँ ये देखो, ये देखो, वो देखो, यहाँ पे भी वो नीचे मत आएगा, नहीं आएगा, फिर चलो तेज तेज वो पीछे से ना, वो भाई मेरे तो लग गए भाई, इनके देखना जज्बा डरते ही नहीं यार, और इनको सब पता होती है क्या है क्या नहीं है, वो भी रास्ते में ही है यार, रसूल खुदा यार बोलो आशी बाबा भाई, इनसे ताज़ा ही जरा उठाना, इसको उठा, मैं उठा रहा हूँ, चल चल ये देखो ये देखो, यहाँ से ऊपर चढ़ा है वो, तो गाइस हम ऋषिक पे चल रहे हैं, बाकी लोगों की पटी पड़ी है, डर रहा फॉग है यार, वन पीस ब्रो, आगे आगे चल रहे बच्चे, बट यहाँ से एक चीज का खतरा है, सब डर रहे हैं, मैं साथ में, मैं भी डर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से भालू गुजरा है, दैट्स व्हाई, यहाँ से फॉग एंड व्यू वो आ रहा है पीछे से, तेज से चलो, तो गाइस हम ऋषिक पे चल रहे हैं, बिकॉज यहाँ से बियर गुजरा है, गलत नहीं बोल रहा हूँ, बीजा स्नाव गुजरा है यहीं से, क्योंकि मिट्टी अभी गीली है, सो अभी नहीं पता है क्या होगा आगे, अल्लाह पे भरोसा है, जो होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, महादेव में जब गया था इतना नहीं डरा था मैं, आज बहुत डर गया मैं, 2 मिनट बस, यहीं से मतलब यहीं से आगे रास्ते से, मतलब ये पैरों के निशान जो रहा था, अगर आएगा तो वहीं पे रुकना, पत्थर लेना, बट हम श्रीनगर के बंदे ऐसा कर सकते हैं, पहले पहुंचते बस थोड़ा है, बाय द वे फॉग बहुत ज्यादा है, साथ साथ चलो ठीक है, ओके ओके, सो फाइनली गाइस आफ्टर 4 आवर्स ऑफ ट्रैक हम पहुंच चुके हैं संतार वैली, इस बॉर्डर के पार देख सकते हो, जरा दिखा भाईजान का बॉर्डर है, इसके पार संतार वैली है, तो जा रहे हैं अंदर हम दो, एंड कुछ देर वहाँ पे बैठते हैं, अभी फॉग है नहीं दिख रहा है, फाइनली हमने ये पूरा कर दिया, सब ने बच्चे थे वो तो हमसे अच्छे थे, ज़ैद भी मैं भी बहुत अच्छे से चढ़े, बट एक चीज़ का खौफ रहा वो था बालू का, बाकी हम अच्छे से चढ़े, ये इस साइड से पूरा संतार वैली है, फॉग है नहीं दिख रहा है, बट हमने क्रॉस कर दिया, वो डिड इट, ओके रुक अंदर जाने दे मुझे, दे बैग इधर, हमारी टीम है, पूरी टीम है, साथ में आ जाओ सब गाइस, सब साथ में आ जाओ, सब हमारी पूरी टीम, ठीक है, इन लोगों ने हमें रास्ता दिखाया, यहाँ लाया, अब यहाँ से कहाँ जाना है, नीचे ये है ना संतार वैली, ये कितनी बड़ी है यहाँ से, बहुत बड़ी, वहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से लिधवा से, वहाँ से मामनेट, वहाँ से हमको मामनेट नहीं जाने का, हमको नीचे ले जाओ रे, हमको यार हमको घर ले जाओ, सो गाइस कुछ देर यहाँ पे बैठते हैं एंड फिर हम निकलते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, बाकी आज फिर से कहूंगा इट्स ऑल अबाउट द व्यू, बाय। फाइनली गाइस फॉग क्लियर हो चुका है, पूरा व्यू दिख रहा है, वहां से दिख रहा है महादेव पीक, विधवास मामनेट, वहां से सब कुछ दिख रहा है, आप लोगों को भी डल भी दिखाऊंगा, आजा बेटे मेरे साथ, क्या दिख रहा है, वो वहां से डल दिख रहा है, दिख रहा है, हां जी क्लियर है, वो है वहां से डल है, सुपर सेक्सी है, मां कसम पीस है यहां पे, मगर अब उतरने में मेरी फटेगी, नहीं उतरने में टेंशन नहीं है, ओ भाई चढ़ते चढ़ते इतनी स्लिपें हुई, दिस प्लेस इज सेक्सी।
आए थे इस रास्ते से, वो पहाड़ क्रॉस करते हम यहाँ से आए, अब उतर रहे इस रास्ते से, ठीक है, घर की तरफ जहाँ पे हमारा टेंट था, वो रहे हमारे सारे बंदे। एंड ये हम तीन यहाँ पे लास्ट में चल रहे हैं, उनकी हम ले रहे हैं। तो गाइस बहुत ही सेक्सी प्लेस है, माँ कसम बहुत ही सेक्सी प्लेस है। आओ देखो, 3-4 घंटे का ट्रैक है, मजे करो, व्यू देखो, यहाँ का व्यू बहुत ही सेक्सी है माँ कसम। हमने सोचा हमारा टेंट नीचे था, अगर हमारा टेंट साथ होता तो यहीं पे टेंट लगाते, तो यहीं पे आज रात बैठते, बट टेंट साथ नहीं है, इस वजह से निकल रहे वापस नीचे। ये है बाकी व्यू, आप लोगों को दिखाया मैंने, आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, सबको सबको दिखाओ ये जगह। अभी शायद आते हैं लोग, मैंने ये नहीं मैं बोलूँगा, आते हैं बहुत लोग आते हैं, बट हम आए हैं छोटी एज वाले आए हैं, तो आप लोग शेयर करो, ठीक है, अब निकल रहे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, से आपको मेरी व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आती रहेगी। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, सेक्सी बेबी। तो बर्ड स्टार्ट हो गई है, एक मेरे हाथ भी कट गए यहाँ से, और दूसरा तू पागल है, मैं ही वो बंदा हूँ जो गिरा नहीं। अरे बारिश भी स्टार्ट हो गई, नहीं मैं 2-3 बार वहाँ पे गिर गया, नीचे जाने वाला था, मेरे को स्लिपरी शूज है इस वजह से मैं नीचे गया।